सीकर के लक्ष्मणगढ़ से है, जहां मुकुंदगढ़ बाईपास पर अनियंत्रित होकर एक कार पलट गई, जिसमें 11 वर्षीय मासूम बच्ची सहित एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोग जो थे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर बलारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी बाबूलाल मीणा ने बताया कि लोग नरोदड़ा गांव में शादी समारोह में शामिल होकर कार से वापस अपने गांव बगड़ जा रहे थे, तभी अचानक कार जो थी अनियंत्रित होकर पलट गई। तो वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। रात को करीब 10:30 बजे सूचना आई कि लक्ष्मणगढ़ बाईपास पे एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिस पर मैं और मेरे जाब्ते को लेकर वहां पहुंचे तो एक लक्ष्मणगढ़ की तरफ से एक काले रंग की जो गाड़ी थी वो बाईपास पे जो पुलिया बना हुआ है, पुलिया से जस्ट 50 मीटर के आगे वो राइट साइड में वो स्लिप होके खड्डे में गिर गई थी, जिसमें से 5, 2 बच्चे और 3 आदमी इंजर्ड हो गए, जिनमें एक बच्ची थी जिसका नाम नमन, जिसकी काफ़ी गंभीर चोट थी, और एक व्यक्ति का नाम गोविंद लाल शर्मा। इन सभी को हमने लक्ष्मणगढ़ हॉस्पिटल में पहुंचाया तो गोविंद की तो डेथ हो गई और इनको सभी को सीकर के लिए रेफर किया। अलवर के भिवाड़ी में पुलिस और प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। पुलिस हरियाणा राजस्थान सीमा पर वाहनों की सख्ती से जांच कर रही है। ऐसे में पुलिस ने कई वाहनों के चालान काटे और कई वाहनों को जब्त भी किया। इसी के साथ पुलिस ने बिना मास्क घूमने वाले लोगों के चालान भी काटे और कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने की उनसे अपील की। अब खबर अजमेर से है, जहां शहर में लॉकडाउन खुलने के बाद अब शराब के ठेकों का विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में लोगों ने अलवर गेट थाना क्षेत्र में देसी शराब के ठेके का विरोध किया और आरोप लगाया कि ये शराब का ठेका मंदिर के नजदीक बना हुआ है और इस ठेके के कारण आसपास के क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा है और यहां से महिलाओं और बच्चियों का निकलना भी मुश्किल हो रहा है। तो वही लोगों ने प्रशासन से ठेका हटाने की गुहार लगाई है।